दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का बहुत सारा जॉब निकला है जो कि इंजीनियरिंग और आईटीआई डिसिप्लिन का, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आपको थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट है, सबसे पहला पोस्ट है मेंटेनर का, जिसमें आपका 134 पोस्ट टोटल है, जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई मांगा है। और आईटीआई का सब ट्रेड यहाँ पे है इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, फिटर, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, तो ऑल जो सेगमेंट रहता है आईटी का सब सेगमेंट का है। और इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों, जनरल के लिए 35, SC/ST के लिए 40, एक्स सर्विसमैन के लिए 50, टोटल 134 पोस्ट है। सेकेंड जो है जूनियर इंजीनियर है, जो पहला पोस्ट है दोस्तों उसका जो पे स्केल है 101702-18500 इसका जो पे स्केल है। सेकंड जो है जूनियर इंजीनियर का, जिसमें आपका पे स्केल है 14000 से 26950, और इसमें आपका 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा है जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। दोस्तों इसमें जो एज लिमिट है जनरल के लिए 35, SC/ST 40, एक्स सर्विसमैन 50, और इसमें जो अलग अलग सेगमेंट इसको कर दिया है, जैसे रेसिडुअल पेरेंट केयर बोल के है, इसमें 7 पोस्ट हैं, लोकल कैडर यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट है 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सिविल का जो यहाँ पे खाली है वहाँ पे जो रेसिडुअल पेरेंट केयर में 9 पोस्ट है, और लोकल कैडेट यहाँ पे जो हैदराबाद के हैं कर्नाटक रीजन में, वहाँ पे उन लोगों के लिए 21 आपका रिजर्व है, जो जिसमें जो सिविल में 21 रिजर्व है। तो यहाँ पे आपका टोटल आ गया जूनियर इंजीनियर का, एज लिमिट दोनों में सेम है, पे स्केल में इसमें 14000 से 26950 है। उसके बाद है सेक्शन इंजीनियर, जिसमें आपका डिग्री इंजीनियरिंग है जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेली कम्युनिकेशन, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसमें जनरल के लिए 35 इयर्स, SC/ST 40 इयर्स, और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 50 इयर्स है। इसका जो पे स्केल है दोस्तों 16000 से 30770 रुपया, और इसमें जो अलग अलग डिवीजन है, जैसे रेसिडुअल परेंट केयर बोला है सिस्टम में 11 पोस्ट है, और जो सिविल में है जिसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल मांगा है, यहाँ पे रेसिडुअल परेंट केयर जो यूनिट है उनका वहाँ पे 7 पोस्ट है, और जो लोकल कैंडिडेट के लिए प्रिफ्रेंस दिया गया है यहाँ पे 1 पोस्ट, ठीक है, जो टोटल 19 पोस्ट है। तो टोटल इसमें जो पोस्ट निकला है दोस्तों 174 पोस्ट है। तो आउट ऑफ 174 पोस्ट 19 पोस्ट जो है डिग्री इंजीनियर के लिए, 21 पोस्ट जो है डिप्लोमा इंजीनियर के लिए, और आईटीआई वालों के लिए 134 पोस्ट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है, एक्सपीरियंस के बारे में तो ऐसे कुछ बताया नहीं है कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए, तो सब जितना भी है फ्रेशर के लिए। तो ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट निकला है, तो एज सब में सेम है, और सैलरी तो मैं आपको बता दिया सैलरी स्ट्रक्चर, तो इसको आप देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ मार्क बोला है, आपका एग्रीगेट मार्क 50% होना चाहिए, यहाँ पे बोला है आपका जो टोटल मार्क है, आपका जो एग्रीगेट अगर करेंगे तो 50% यहाँ पे आपका मार्क होना चाहिए, ठीक है। और इसको जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए इसका जो लिंक है मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और इसको आप एक बार चेक कर लीजिए पहले, क्योंकि आपका इसका जो लास्ट डेट है 2/2/2019 फरवरी 2 तक लास्ट डेट है, और एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट है 4/2/2019 फरवरी 4 तक है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, शॉर्ट नोटिस है, आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं मैं लिंक में जाके, और देख एक बार चेक कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड मार के, उसके हिसाब से आप क्वालिफिकेशन हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।